हल्द्वानी की, जहां पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने रक्षिया नाली का निरीक्षण किया है। रक्षिया नाली ने इस बार हल्द्वानी में काफी तबाही मचाई है, जिसको देखते हुए अजय भट्ट ने एसडीएम सिंचाई विभाग के अधिकारियों से रक्षिया नाली के बारे में जानकारी ली है। अजय भट्ट ने कहा कि नाली के तेज बहाव की दृष्टि से तत्काल सुरक्षात्मक कार्य किए जाने आवश्यक हैं। नाली के तेज बहाव को देखते हुए आबादी के किनारे कटाव वाली जगहों पर प्रोटेक्शन वर्क का प्लान किया जा रहा है, जिससे कि कटाव को रोका जा सके और पानी का रुख भी बदला जा सके। फिलहाल नाली का बहाव कम है, जिसको देखते हुए एसडीएम सेटलिंग का काम किया जा रहा है। अजय भट्ट ने कहा कि जिन जगहों पर नाली की जगह से काफी नुकसान हुआ है, वहां के लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से अन्य जगहों पर शिफ्ट किया जाना चाहिए। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। इसके लिए योजना बना रहे हैं। मैंने इसी नाते आज यहाँ का निरीक्षण किया है। काम तेजी से चल रहा है। लोगों ने बताया है कि पहले पूरी भली हुई थी नदी, आज धीरे धीरे डिसिल्टिंग हो रहा है, तो काफी पानी का हमने जो बहाव बिल्कुल इधर को मार रहा था एक साइड को, तो उसको बीच में डाल के आगे को कर दिया। अगर इस साल कोई ज़्यादा बारिश फिर होती है तो कम से कम फिलहाल एक दिशा दे दी है, तो ये जब वर्षा ऋतु खत्म हो जाएगी, समाप्त होगी, तो उसके बाद परमानेंट क्योर करने के लिए काम भी प्रारंभ हो जाएगा।